हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुपर ट्रिक्स। आज हम 26 अक्टूबर के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखेंगे जो आपके सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आइए शुरू करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन। 25 अक्टूबर को किस राज्य ने कन्या सुमंगला योजना लॉन्च किया? तो इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। बात करें उत्तर प्रदेश की, इसका गठन 24 जनवरी 1950 को हुआ था। क्षेत्रफल की रैंकिंग में चौथे स्थान पर है और जनसंख्या की रैंकिंग में पहले स्थान पर। साक्षरता दर 67.68%, लिंगानुपात 912 है, यानी लिंगानुपात 912 है। उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ है, सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। नेशनल पार्क यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन से हैं। नेशनल पार्क यहाँ पे दुधवा नेशनल पार्क है, चंद्रप्रभा, हस्तिनापुर तथा रानीपुर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है अरविंद सिंह। कौन बने हैं? अरविंद सिंह। बात करें भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण की, ये इसकी स्थापना दिवस 1 अप्रैल 1995 है, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। अगला क्वेश्चन, छोटे किसानों की उत्पादन प्रणाली को सुदृढ़ करने हेतु किस राज्य ने विश्व बैंक के साथ $16.5 करोड़ ऋण हेतु समझौता किया है? तो इसका इसके ऑप्शन देख लीजिए, पहले तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, उत्तराखंड। तो इसका सही आंसर है उड़ीसा। बात करें उड़ीसा के बारे में, तो इसकी कैपिटल भुवनेश्वर है, सीएम नवीन पटनायक हैं, गवर्नर गणेशी लाल हैं। यहाँ पे लोक नृत्य उड़ीसी, गोटीपुआ, माहरी, मयूर तथा घुमरा है। नेशनल पार्क भीतर कनका नेशनल पार्क, सिमलीपाल नेशनल पार्क। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसका सही आंसर है सुखवीर सिंह संधु। बात करें भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की, इसकी स्थापना 1988 में हुई थी, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। अगला क्वेश्चन, फिच रेटिंग ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए भारत की विकास दर का अनुमान घटाकर कितना कर दिया है? तो इसका सही आंसर है 5.5%। बात करें फिच रेटिंग के बारे में, स्थापना वर्ष 1914 है, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क है, सीईओ पॉल टेलर हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में विजया बैंक हेरिटेज म्यूजियम का उद्घाटन कहां पर किया गया है? जयपुर, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई। इसका सही आंसर है बेंगलुरु में। विजया बैंक हेरिटेज म्यूजियम का उद्घाटन कहां किया गया है? बेंगलुरु में। अगला क्वेश्चन, एचआरडी मंत्रालय ने 9वीं एवं 10वीं के छात्रों के लिए तमन्ना नामक पहल शुरू की है, तमन्ना का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही आंसर है ट्राई एंड मेजर एप्टीट्यूड एंड नेचुरल एबिलिटीज। अगला क्वेश्चन, भारतीय रेलवे ने यात्रियों की तीव्र सुविधा प्रदान करने के लिए वन टच ATVM लॉन्च किया है, ATVM का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर आपको बताना है, इसका सही आंसर है ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन, ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च 10 स्टडीज इन कश्मीर हिस्ट्री एंड
पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर आपको बताना है दीनानाथ पंडित, काशीनाथ पंडित, रघुवर दास, निर्मल पंडित, इसमें से कौन? तो इसका सही आंसर है काशीनाथ पंडित। अगला क्वेश्चन, मेलबर्न मर्सर ग्लोबल पेंशन सूचकांक 2019 में भारत किस स्थान पर है? तो इसका सही आंसर है 32वें स्थान पर है। अगला क्वेश्चन, भारत की लक्ष्मी पहल की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो इसके चार ऑप्शन हैं, आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है। पहला है दीपिका पादुकोण एवं पीवी संधु, प्रियंका चोपड़ा एवं आलिया भट्ट, कंगना रनावत तथा पंडिती चोपड़ा, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है दीपिका पादुकोण एवं पीवी सिंधु। कल के क्विज का उत्तर है, भारत में भूख और कुपोषण के विरुद्ध जागरूकता फैलाने के लिए किसने फीड आवर फ्यूचर की शुरुआत की है? तो इसका सही आंसर है WFP। बात करें WFP के बारे में तो इसका पूरा नाम क्या है? द वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इज़ द फूड असिस्टेंस ब्रांच ऑफ द यूनाइटेड नेशंस एंड द वर्ल्ड लार्जेस्ट ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन एड्रेसिंग हंगर एंड प्रमोटिंग फूड सिक्योरिटी। WFP का सिंबल ये है। आज के क्विज का प्रश्न है, आज के क्विज में आपके टोटल 3 क्वेश्चन हैं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान, दादा भाई नेहरोजी, सर सैयद अहमद खान, मोहम्मद अली जिन्ना। तो इन चारों में से कौन सा सही ऑप्शन है, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय औषधि संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो इसके चार ऑप्शन आपके सामने हैं, लखनऊ, कानपुर, बेंगलुरु, नई दिल्ली। इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगला क्वेश्चन, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2020 यानी 2020 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो इन कुछ के आज के कुछ में आपके टोटल 3 प्रश्न हैं, उन तीनों के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है।